नमस्कार, जय हिंद, सलाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं। पीएचडी के इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट को लेकर उसकी बातचीत करेंगे और एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा ही विचित्र नोटिफिकेशन या अपडेट आया है, उसकी भी बातचीत करेंगे। नोटिफिकेशन गंभीर है, लेट से दिया गया है, बैक डेट का नोटिफिकेशन है और बच्चों को 24 घंटे से कम का समय दिया गया है इस नोटिफिकेशन में दी गई जानकारियों को अमल करने के लिए। तो कौन से विभाग है, क्या नोटिफिकेशन, उसके हम बात करते हैं कि करके। पहला संबंध है पीएचडी एडमिशन 2023-24 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इतिहास अर्थात हिस्ट्री में। 11 फरवरी की डेट में इस विभाग ने एक लिस्ट जारी करी है जिसके अनुसार 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन हिस्ट्री में दिल्ली विश्वविद्यालय में। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि बच्चों को फीस जमा करने का इतना कम समय क्यों दिया आपने 28 फरवरी तक। अब क्यों कम दिया है, ये जवाब तो विभाग ही दे सकता है, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। और इनका सिलेक्शन किस आधार पर हुआ है, कितने कितने नंबर थे, इसकी भी कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है, विभाग आपको दे देगा। दूसरा नोटिफिकेशन आया है 26 फरवरी को यानी कि परसों, जिसमें बताया गया है कि 36 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस में। अब इन बच्चों की समस्याएं भी ये उन बच्चों की समस्या ये होंगी जिनका चयन नहीं हुआ इतिहास और पॉलिटिकल में, कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। क्या इंटरव्यू में नंबर कम रह गए, या जेआरएफ नहीं था, या नेट नहीं था, एंट्रेंस में नंबर कम थे, या सोर्स नहीं था, जुगाड़ नहीं थी, क्या थी समस्याएं एडमिशन ना होने में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आप भी जानते हैं लेकिन आप कह नहीं पाते। हम तो कह देते हैं भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय है और बिना जुगाड़ के गाड़ी खड़ी रहती है, चलती नहीं है। और गाड़ी को चलाना है तो जुगाड़, दूसरे की जुगाड़ से अगर बैटर नहीं है आपके पास तो गाड़ी खड़ी ही रहेगी, ताउम्र चलेगी नहीं, ठीक है। तो जिन बच्चों का चयन हुआ है पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब जो विचित्र नोटिफिकेशन आया उसकी बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आया है दिल्ली, और ये नोटिफिकेशन ड्यू की वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन ये नोटिफिकेशन घूम रहा है क्योंकि उस नोटिफिकेशन में विभागाध्यक्ष के सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर है, और 26 फरवरी का नोटिफिकेशन है और आज 28 फरवरी। ये नोटिफिकेशन ड्यू की दोनों ही वेबसाइट पर नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया, ये नोटिफिकेशन सही है गलत, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है कि जिन बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी इन हिंदी की दूसरे फेज में, जो लिस्ट आई थी 21-22 तारीख में, उसके लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है, लगभग 80-90 बच्चे हैं जो है, उनको अपनी कोर्स वर्क की फीस जमा करनी है 28 फरवरी तक, है ना। लेकिन उसमें तीन समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन हुआ जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये बात नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टर ब्राउचर में क्यों नहीं लिखी विभाग ने या विश्वविद्यालय कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इस डेट के बाद का बना हुआ, और किसी बच्चे का सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो, और आपने 21-22 तारीख को लिस्ट दे दी, तो अगले 6-7 दिन में कैसे कोई न्यू सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अगर इस सर्टिफिकेट के अभाव में बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, कोई जवाब नहीं है। इसी नोटिफिकेशन में एक और क्लोज है कि ऐसे विद्यार्थी का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा जो वर्तमान में कहीं एमफिल कर रहा है या एमफिल सबमिट कर चुका है, इसका रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि अगर आप कहीं एमफिल कर रहे हैं तो पहले अपने एमफिल को कैंसिल करवाइए, उसका प्रूफ लेकर आइए और उस प्रूफ को जमा करिए विभाग में, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या कोर्स वर्क की फीस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक और नोटिफिकेशन में क्लोज तो नहीं है लेकिन ये नियम है कि अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन हुआ है ड्यू में, ये सबके लिए है, ऐसे विद्यार्थी का चयन हुआ ड्यू में जो कहीं जॉब कर रहा है या कर रही है, तो उनको अपने उस संस्थान से एक एनओसी लेटर लेकर आना होगा और उस लेटर को फीस सबमिट के दिन आपको जमा करना होगा, तभी आपका एडमिशन पूर्णतः वैध या वैलिड माना जाएगा और उस एनओसी नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अभाव में आपके एडमिशन को निरस्त या रद्द या कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसकी पूरी ताकत विभाग ने अपने हाथों में रखी है। इन नियमों के विषय में क्या कहते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अपनी कमियों को पहले जानिए, समझिए, उस पर अध्ययन करिए और अगले वीडियो का वेट करिए। अपने सवालों को, जिज्ञासाओं को, चिंताओं को, परेशानियों को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम, शुभ रात्रि।